चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल का जे कही शर्मनाक खबर है जी सामने आई है जिदे आखिर एक सत्तवीं जमात की जे कही कुड़ी के नाल बलात्कार का मामला सामने आया तो अगे जे बलात्कार करने वाले सीगे वह भी नाबालिग बच्चे सीगे जिस उम्र के पढ़ाई लिखाई तो अलावा उन्होंने कोई होर तरह की समझ नहीं होनी चाहिए तो आखिरकार वो समझ किस तरह के डिवेलप हो रही है कि जो 18 तरीक न मामला पुलिस के ध्यान आता है कि सत्तवीं जमात की कुड़ी के नाल बलात्कार होया तो कई बार होया ये दसया जाता है तो वो पांच ने जोड़े वो भी स्टूडेंट्स ने गे पांच स्टूडेंट्स पुलिस फड़ के बाल सुधार घर भेज दिया है तो जोड़े चार स्टूडेंट स्कूल के ने उन्होंने एक जोड़ा बच्चा हैगा वह उस कुड़ी की जमात का है। सत श्री अकाल जी, चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल का जे कही शर्मनाक खबर है जी सामने आई है जिदे आखिर एक सत्तवीं जमात की जे कही कुड़ी के नाल बलात्कार का मामला सामने आया यानी कि नाबालग कुड़ी ते अगे जे बलात्कार करने वाले सीगे वह भी नाबालग बच्चे सीगे हालांकि पुलिस ने उन्होंने हिरासत च लै लिया पर आखिर एक सवाल यह खड़ा हुंदा कि किस तरह की मानसिकता बच्चों की बनती जाती है जिदे असी कही कि जदों जिस उम्र के पढ़ाई लिखाई तो अलावा उन्होंने कोई होर तरह की समझ नहीं होनी चाहिए तो आखिरकार वो समझ किस तरह के डिवेलप हो रही है कि एक जो 18 तरीक न पुलिस के ध्यान मामला सामने आता तो हालांकि वह बच्चों जो फड़ के आ बाल सुधार घर भेज दिता गया है हालांकि क्योंकि ये उत्ते जो लीगल एक्शन होंगे वो मानयोग अदालत के कोल राइट्स होंगे ने मानयोग अदालत उत्ते फैसला लेगी तो दूजे पासे ये एक सवाल खड़ा जरूर होंगे कि जो 18 तरीक न मामला पुलिस के ध्यान आता है कि सत्तवीं जमात की कुड़ी के नाल बलात्कार होया तो कई बार होया ये दसया जाता है तो वो पांच ने जोड़े वो भी स्टूडेंट्स ने गे पांच स्टूडेंट्स पुलिस फड़ के बाल सुधार घर भेज दिया है जिदे दसया जाता है कि एक स्टूडेंट बाहर का सीगा तो जोड़े चार स्टूडेंट स्कूल के ने उन्होंने एक जोड़ा बच्चा हैगा वह उस कुड़ी की जमात का हैगा हुण इहदे विच ज़्यादातर जिहड़ी जानकारी है तुहाडे नाल नहीं सांझी कर सकते क्योंकि मामला जदों बच्चों का आ जाता तो उहदे नाल उहनां दी आइडेंटिटी तो लैके जे गल की जाए असी स्कूल तक भी तुहानूं इसलिए नहीं स्पष्ट कर रहे कि आखिरकार इस नाबालिग पुणे दे विच बच्चेपन दे विच जिस तरह के नाल इह पूरा मामला सामने आया उन्हें सवाल कई जरूर खड़े करते हैं कि किस तरह की मानसिकता बच्चों की होंगी जा रही है पर यह मामला जिवें चंडीगढ़ तो सामने आया तो पुलिस ने दी भी सुन ला ने आखिर किस तरह की कार्रवाई करी है कि कुछ अगे की जिहड़ी जांच पड़ताल रहेगी क्योंकि 18 तरीक नूं जदों पुलिस के ध्यान दे विच इह मामला आउंदा तो 21 तरीक नूं पुलिस उन्हां बच्चों नूं जिहड़ा फड़ के बाल सुधार घर है भेज दिंदी है। एस पी दी सुन ला ने की कहिंदे ने कि किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले नूं लैके हुई है। वो पुराना मामला 18 मई का केस है वो और उसमें हमने पांच जुवेनाइल्स अप्रीहेंड किए पांचों जुवेनाइल्स जो है वो नॉन थे और पांचों अप्रीहेंड करके करेक्शन होम में भेज दिया है फर्दर लीगल एक्शन कोर्ट लेगी। तो ये कब आएगा संज्ञान में? ये 18 मई के संज्ञान में आया हमारे को 18 मई को और हमने इनको तीन दिन बाद ही 21 को जो है अरेस्ट कर दिया अप्रीहेंड कर दिया। नहीं, पाँचों जुवेनाइल है, पाँचों स्टूडेंट, हाँ इनको पाँचों स्टूडेंट ही हैं, एक सेवन्थ में है। सब तो वड्डा सवाल यह खड़ा हुंदा है कि जिस उम्रे आखिर गुड्डे गुड़िया नाल खेडण दी उम्र हुंदी आ तां उस उम्र दे विच बलात्कार वर्गा मामला सामने आउणा कि एक ना समझी या फिर किस तरह दा माहौल आखिरकार बणिया होणा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पंज बच्चे इस मामले दे विच फड़ के बाल सुधार घर भेजे नेगे हालांकि उन्हां दी अगे दी जे कहा जावे जिस तरह का पूरा एक लीगल तौर पर फैसला लिया जाऊगा मानयोग अदालत के वलों कि किस तरह के नाल इस पूरे मामले नूं हैंडल करना देखना की सज़ा देनी हैगी क्योंकि ये जुविनाइल दे अलग एक लॉ पूरा सिस्टम बनया होया पर अपने आप दे विच एक गंभीर जानकारी या खबर इहनूं कहीए जरूर है कि एक नाबालिग दे नाल ही उहदे साथी या हो सकदा उहनूं जाणदे होण उह बलात्कार करदे ने। वीडियो जर्नलिस्ट अमन दे नाल सुमित सिंह रोजाना स्पोक्सन टीवी चंडीगढ़।